फिलहाल बहुत तेज बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे और ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है। तो ये चेकआउट करें, एक बार फिर से पहुंच चुके हैं हम लोग लाइव स्नोफॉल में। अभी हम लोग है क्योंकि आगे बहुत डेंजर वाला मोड है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये तो निकल गई 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 भाई, जा रही है वापिस, जा रही है वापिस। ओ हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। तो आज का प्लान है, आज हम लोग जा रहे हैं हमटा पास वाली साइड। तो पूरा लास्ट तक तो हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि आज ही स्नोफॉल स्टार्ट हुई है, और ज़्यादा आगे तक जाएंगे तो वापसी में फंस जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी न्यू ईयर करके अपना मनाली में अच्छा खासा जाम लग रहा है, पूरा ट्रैफिक जैम हो रहा है आपका 20-25 किलोमीटर। तो हम लोग आधे रास्ते तक जाएंगे और दिखाएंगे आज का सीन कि कितनी स्नोफॉल स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो बढ़ती जाएगी। इग्लू स्टे बनेंगे बहुत सारे और सब कुछ, वो तो बाद में दिखाएंगे। तो आज तो जाएंगे हमटा पास वाली साइड, और हम लोग ना मॉल रोड मनाली होके नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ बहुत ट्रैफिक लग रहा है। हम लोग एक शॉर्टकट है और रास्ता वहाँ होके जाएंगे, और कल जाएंगे हम लोग अपना पूरा मॉल रोड का आसपास इधर उधर सारा एरिया घूमेंगे। वो भी मुझे लग रहा है बस में ही जाएंगे, अपनी गाड़ी लेके जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो चलिए अभी तो चलते सीधे हमटा पास सेथन की तरफ और दिखाते आज का सीन लाइव स्नोफॉल के साथ। और सुबह का माहौल है, बहुत ठंड हो रखी है, तो फर्स्टली फटाफट से नहाते हैं, रेडी होते हैं और निकलते हैं। हेलो जी, नमस्ते। आज के ब्लॉग की शुरुआत एक बार फिर से हमटा पास रोड से हो रही है, लाइव स्नोफॉल से। तो अभी हम लोग बीच रोड में रुके हुए हैं क्योंकि आगे गाड़ियां फंस चुकी है लाइव स्नोफॉल में। तो चलिए दिखाते हैं आपको भी। तो ये चेकआउट करें, एक बार फिर से पहुंच चुके हैं हम लोग लाइव स्नोफॉल में। अभी हम लोग है हमटा पास रोड में। तो देखिए अभी सारी गाड़ियां यहाँ पर फंस चुकी है क्योंकि आगे बहुत डेंजर वाला मोड है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। हाँ जी, तो चलिए वहां पर देखिए जिप्सियां फंस चुकी है और ये गाड़ी भी पीछे आ रही है बैक। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल मोड है सीधा और गाड़ियां सारी स्किड कर रही है शायद। ये तो निकल गई। तो अभी फ़िलहाल एक एक करके गाड़ियां आगे के लिए पास कर रहे हैं क्योंकि स्नोफॉल देखिए बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है, बड़े बड़े स्नो फ्लैक्स गिर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए एक एक करके दिखाते हैं आपको किस तरह से गाड़ियां निकलती है यहाँ से। अभी फ़िलहाल नीचे की तरफ लाइन लगी है, अभी एक एक करके निकलेगी ये सारी गाड़ियाँ यहाँ से। तो चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं, ऊपर से वीडियो बनाते हैं नीचे की तरफ। तो ये देखिए एक गाड़ी आ चुकी है ऊपर को, ये तो आराम से स्मूथली निकल गई। अभी वेट करते हैं दूसरी गाड़ियों का। और देखिए यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट स्नो। अभी देखिए दूसरी गाड़ी आ रही है सीधे ऊपर की तरफ। अभी हमारी जिप्सी भी नीचे लगी, हमारी तो लास्ट में नीचे। ये देखिए ये भी स्मूथली निकल गई एकदम से। ये रही जो ये लास्ट वाली है ना, यही है अपनी जिप्सी। और ये भी आगे देखिए, ये भी स्मूथली। ये थोड़ी स्किड कर रही है भाई, ये रुक गई, इसे बैक जाना पड़ेगा। ओ ये गई 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 भाई, ये वापस गई 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 भाई, जा रही है वापस, जा रही है वापस। ओ अपनी बोलेरो वापस चले गई, जिप्सी तो स्मूथली निकल गई लेकिन बोलेरो वापस चले गई है भाई। एक बार फिर से ट्राई मारेंगे अभी। तो देखिए अभी बोलेरो को बैक लाया जा रहा है, बैक गियर में। ये अब शायद चढ़ जाए, नहीं अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि टायर बहुत स्किड कर रहे हैं यहाँ पे। तो जिप्सी तो देखिए स्मूथली चढ़ रही है यहाँ से ऊपर की ओर।
तो अभी लास्टली अपनी जिप्सी बची हुई है, देखते हैं। तो देखिए अपनी जिप्सी आ चुकी है और अपनी जिप्सी भी स्मूथली निकल गई, तो इनको टाइम लगेगा। तो चलिए हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ। अभी हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ आ चुके हैं क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, तो हम लोग ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। तो अभी थोड़ी नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ से दिखाता हूँ व्यू। अभी थोड़ा धुंध हो रखा है आगे सारी जगह, लेकिन स्नोफॉल अभी भी कंटिन्यूसली पड़ती जा रही है। तो ये चेक करें, स्नोफॉल अभी भी कंटिन्यूसली पड़े जा रही है। तो यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ पूरी ढक चुकी है स्नो से, पिछली वाली भी देखें। और यहाँ पे ना अपना जो इग्लू की तरह कॉटेजेस होते हैं वो है यहाँ पे, वो देखिए जो ऐसे गोल वाले होते हैं ना, वो नीचे देखिए, मस्त वाला व्यू है यहाँ से। देखिए कितनी ज़्यादा स्नोफॉल पड़ी है यहाँ पे और अभी भी पड़ रही है। फिलहाल बहुत तेज बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। रुकिए साफ करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा पूरा फेस भरते जा रहा है स्नो से और यहाँ पे एक अलग ही माहौल बनता जा रहा है। रुकिए यहाँ पर देखिए ताजी स्नोफॉल कितनी ज़्यादा हुई है, देखिए बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट। और यहाँ से देखिए अब एकदम से लाइव स्नोफॉल। तो अभी हम लोग थोड़ी आगे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ का माहौल भी दिखाते हैं आपको थोड़ा। तो यहाँ पे भी वही है अपना जो इग्लू की तरह मैं नीचे दिखा रहा था आपको, गोल वाला होम स्टे, वो देखिए ऊपर। और स्नो देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा पड़ रही है यार, मुझे लग रहा है ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हमें निकलना पड़ेगा वापस। देखिए भरता जा रहा है यहाँ पे पूरा, रास्ता खाली है क्योंकि अभी गाड़ियाँ कंटिन्यूसली चलती जा रही है यहाँ पे 4x4, लेकिन यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ अपनी भरती जा रही है स्नो से। तो चलिए अभी नीचे की तरफ वापस निकलते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पर। फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं, तो आज हेयर सैलून भी जाना था, वहां भी जाके आए। और भाई साहब जो स्नोफॉल स्टार्ट हुई है ना आज, मुझे लग रहा है न्यू ईयर तक ना अच्छी खासी स्नोफॉल पड़ेगी अपने हमटा पास वाली साइड। तो सही है यार, मतलब आज का दिन तो मस्त वाला रहा, उतने ट्रैफिक में भी नहीं फंसे हम लोग, सीधे शॉर्टकट निकल गए। लेकिन हम लोग कल फिर से जाने वाले हैं मनाली और प्रॉपरली घूमेंगे, मॉल रोड मनाली दिखाएंगे, हडिम्बा टेम्पल, ओल्ड मनाली सारा कुछ दिखाएंगे कि कितना ट्रैफिक हो रखा है। और टूरिस्ट भाई साहब मैंने सुना है कम से कम 1,00,000 टूरिस्ट था अपने मॉल रोड मनाली में अपना 25 तारीख को जब अपना क्रिसमस था। लेकिन भाई साहब देखेंगे कल का सीन क्या होता है, बट अभी फिलहाल ना बहुत ठंड हो चुकी है, तो मस्त वाला रेस्ट करते हैं, फर्स्ट डिनर करते हैं, मिलते कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।